तो सबसे पहले दिखाती हूँ आपको हमारा इस तरह के। तो ये मेरा शू रैक है जो कि टेबल पसंद आ रही थी, तो आते आते हेमंत की फेवरेट टेबल आ गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ नोएडा की हाल देखो, इतना कोहरा है, इतना कोहरा है। कैमरे में तो एटलीस्ट कम से कम फिर भी दिखाई दे रहा है, पर सामने तो पूरा धुंध ही धुंध हो रही चारों तरफ। सामने की सोसाइटी ही नहीं दिखाई दे रही, इतना ज़्यादा यहाँ पर धुंध हो गई है। तो सोचो जब ठंड चालू होगी तब क्या हाल होगा, और आज ठंड भी बहुत है, ऐसा लग रहा है देखो जब ठंड के दिन चालू होंगे। कल तक हम लोग यहाँ पर नॉर्मल टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, और आज ऐसा लग रहा है कि स्वेटर पहनने के दिन आ गए। एक ही दिन में इतना फ़र्क आ चुका है यहाँ पर नोएडा में, और ऐसे हाल हैं। ऐसे 4-5 बजे किसी को निकलना हो तो क्या ही निकलेगा, अगर 9 बजे ये हाल है सुबह क्या ही हाल होते होंगे। देख लो आप लोग कितना ज़्यादा कोहरा है चारों तरफ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतना कोहरा है। मैंने आपको बोला था ना कि जो फर्नीचर है मैं उसको आपको बाद में दिखाऊंगी, बड़े दिखाने का हाल है। देखो नीचे वो लेके घूम रहा है अपने गद्दे रजाइयां से। हाँ बेटा अभी खिलाओ, अभी मम्मा उसको बना रही है, व्लॉग बना के खिलाएगी। तो जो हमने फर्नीचर लिया था वो मैंने उस दिन जानबूझ के दिखाया, थक भी गए थे, अभी 2-3 दिन का वो ब्रेक चाहिए था। थोड़े बहुत सामान मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, उस चीज के लिए मैं वेट कर रही थी। तो सबसे पहले दिखाती हूँ आपको हमारा सोफा। अरे बाबा अभी रुक जा, मम्मा व्लॉग बना रही थी। रेंगो का नया बिस्तर, हाँ जब से सोफा आया है रेंगो ही इसमें बैठता है। पता है हमने इतनी मोटी मोटी चादर डाल दी क्योंकि रेंगो इसमें गंदे पैर लेके चढ़ जा रहा है। मैं तो अभी तक बैठा भी नहीं हूँ, बट यही महाराज है हमारे घर में एक। तो ये हमने सोफा लिया है, ये पहला ऐसा सोफा। देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वहाँ पर दो दिक्कतें थी। पहली तो ये थी कि जो दुकानें थी ना, मैंने सोचा था कि आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ पर जो फर्नीचर वगैरह है वो कैसा रेट पे है क्या है, पर वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। वीडियो दुकानों में पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था उस दिन किसी भी चीज का। तो ये जो सोफा है ये हेमंत को और मुझे मतलब देखते ही, हमने ना नजदीक भी नहीं गए थे, उतने दूर थे, हमको देखते ही वहां से पूरी मार्केट घूमे, और ये एक सोफा था जिसको हम दोनों एक बारी में अग्री हो गए कि हाँ ये मस्त एक और था जो हमको पहले पसंद आया, वो थोड़ा पतले में था, बट फिर पता नहीं क्या हुआ कि हमको ये देखते ही एकदम से पसंद आ गया। ये बहुत वाइड भी है थोड़ा, 3+2 सोफा है, मेरे को 3+1 नहीं चाहिए था, मेरे को 3+2 ही चाहिए था, मेरे पहले से ही दिमाग में था, मुझे मिल भी सही गया। तो ये मेरे को जो कलर है वो देखते ही पसंद आया था, हमने ये सोफा पसंद किया है। प्राइस वगैरह तो बताऊंगी लिखा है यहाँ पे। और ये है टेबल जहाँ से हमने अपना बाकी का फर्नीचर लिया ना, बेड वेड वहीं से हमने सारा फर्नीचर लिया, क्योंकि उसकी जो लकड़ी की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। ये शीशम, सारा शीशम वुड है। तो हमने यह सोफा छोड़ी, सोफा जो है इसमें फॉर्म भी मिक्स है, बट बाकी सारा प्रॉपर लकड़ी का फर्नीचर हम लोगों ने लिया हुआ है। तो आप अगर इसको भी देखते हैं ना, आप लोगों को ऑनलाइन भी दी जाएंगे इस तरह के जो पीसेस हैं, बट ऑनलाइन का भरोसा नहीं रहता लकड़ी का, बट ये इतना मजबूत है कि सालों साल कहीं नहीं आने वाला, उठ भी नहीं रहा हमसे, मतलब इतना हैवी है। और ये जो रग नीचे रखा हुआ है ये मेरे ऑफिस में वो दिवाली में गिफ्ट मिला था, तो ये 4-5 सालों से रखा हुआ था। तो जब भी मैं दिल्ली में बिछाने वाले थे, मम्मी ये कहते थे कि अब उसको यहाँ की बिछाना, जब नया घर लेंगे ना तो वहाँ बिछाएंगे। तो जैसे ही हमारा सोफा है मैंने सबसे पहले कि यहाँ पर पहले तो इसको बिछा दे, तो नीचे से कारपेट डे वन से, जिस दिन से शायद मम्मी ने ये कारपेट देखा था, मम्मी ने बस यही बोला कि यहाँ क्यों बिछा रहे हो, कभी नया फ्लैट लोगे तो वहाँ बिछाना, वहाँ बिछाना, शादी के बाद ही मम्मी ने बोल दिया था। तो ये मेरा शू रैक है जो कि अभी यहाँ पर रखा हुआ है, इसके ऊपर भी मैंने आज एक दो चीजें मंगाई हुई है क्योंकि ये बहुत सूखा सूखा है, दिल्ली का ही आप लोगों ने बहुत बड़ी ब्लॉग में देखा होगा। तो ये जो शू रैक है ये यहाँ पर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये मैं अभी रुकी हुई क्योंकि अभी सामान यहाँ पर पूरा आया नहीं, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन भी आनी है प्लस ऑफलाइन भी आनी है। तो यहाँ पर अभी साइड टेबल्स है, इधर एक क्या बोल रहे हैं तुम, क्या सेटिंग यही बोलते हैं, तो उस चीज का नाम ही नहीं आता, मैं दुकानदार को भी इतना कंफ्यूज हो रही थी, वो मुझसे कह रहे थे कि ले जाओ, बट मैं उस दिन लेके नहीं आई, जानबूझ के लेके नहीं, क्योंकि मेरे सोफे का जो कलर है मैं कंफ्यूज हो रही थी कौन सा है। तो अगली बार वीडियो बना के ले आऊंगी और ले आऊंगी। और सेकंड बिग थिंग है हमारा डाइनिंग टेबल। अच्छा डाइनिंग टेबल में दो चीज हुई, पहले मैंने कोई और डाइनिंग टेबल पसंद की थी, और उसके बाद क्या हुआ कि जो उसका जो वो है
वेयर हाउस है, वहां से डाइनिंग टेबल की चेयर और टेबल आ भी गई दोबारा से रिक्शे में। और जैसी वो आई वैसे ही मैंने अपना मन बदल दिया, मैंने कहा कि भैया ये डाइनिंग टेबल नहीं, मेरे को ना दूसरी चाहिए। फिर वो बेचारा दोबारा गया और दूसरी डाइनिंग टेबल लेकर आया। इसमें क्या था कि हम पहले हेमंत की पसंद की थी, नहीं उससे पहले तो हम पूरी एक मतलब दूसरी कहानी बन रही थी पूरा फैंसी वाला लेने की, बट फिर हमने डिसाइड किया कि जब हम सब कुछ प्योर लकड़ का ले रहे हैं तो ये सारा ना एक ही दुकानदार के वहां से लिया हुआ, क्योंकि मुझे उसकी वहां का लकड़ी बहुत अच्छी लगी थी और वो आदमी भी सही था। मैंने पूरी मार्केट चेक की थी तो मेरे को सबसे सही लगा। तो जब हम एक जगह से एक चीज लेते तो मैंने कहा सब जगह रेट भी सेम है, डिजाइन भी सेम है, तो एक ही जगह से लेने का फायदा ये हुआ कि उसने घर तक छुड़वा भी दिया, तो हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम बस ये हुआ कि टेबल कोई और आनी थी, बट उसने बोला कि वो टेबल है नहीं और हेमंत को ये टेबल पसंद आ रही थी, तो आते आते हेमंत की फेवरेट टेबल आ गई। फेवरेट क्या मतलब, मेरे को लगा कि जब चीज ले रहे हैं तो थोड़ी ड्यूरेबल क्यों ना लें। ये पता नहीं है जो डिजाइन टाइप का बना हुआ ना ये अच्छा लग रहा था, और टेबल मेरी चेयर मेरी पसंद की है, इसमें मैंने गद्दी वगैरह से फैब्रिक पसंद करके लगवा दिया था। मैंने बोला उसको भैया गद्दी लगवा दो क्योंकि नीचे से ना बैठने में बहुत वो लकड़ी है तो बहुत ज्यादा टाइट टाइट लग रहा था। तो हमने ये भी पूरा मतलब वो शीशम का ही ले लिया, ये भी कोई फैंसी आइटम नहीं लिया। इसके बीच के लिए भी ये मंगा दिया मैंने, अभी सामान आएगा धीरे धीरे आएगा, आ रहा है ऑनलाइन कुछ आ रहा है कुछ रस्ते में। ये रहा हमारा ये जो बेड है, शुरू से ही मैं आप लोगों को बोलती आ रही हूँ कि ये रूम पूरा व्हाइट होगा, बेड व्हाइट होगा व्हाइट होगा, बट जब मैं वहां गई और मैंने जो फैंसी बेड्स है जो फॉर्म वाले होते हैं ऊपर तक देखे थे, वहां तक थे हाँ अच्छे अच्छे थे सुंदर सुंदर थे, बट वो क्वालिटी जब मैंने देखी ना तो मैंने कहा यार इतना पैसा दे के अगर मैं वो क्वालिटी लूंगी। और जब मैं जैसे मैंने बताया ना आपको कि जिस भैया के मैंने दुकान से जो सामान लिया है, ये बेड ही सबसे पहले हमको वहाँ पसंद आया था। मैं आपको दिखा देती हूँ, उसका डिजाइन कुछ इस तरह से है, ये थोड़ा ये सा प्योर शीशम वुड है। टाइप का है हाँ शीशम वुड है, अभी है। बहुत हैवी है, बहुत ये चीज हेमंत को और मुझे पसंद आई। मैंने हेमंत से बोला कोई बात नहीं अगर कॉन्ट्रास्ट वगैरह नहीं हो रहा है तो, बट जब ये घर में आया ना तो ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन जो फैंसी है जैसे आजकल लोग डिजाइन वाले लगते हैं वो नहीं है, बट हाँ चीज अच्छी ली है जो भी ली है। और ये साथ में ये टेबल की भी कहानी बहुत भयानक है भाई। इस टेबल में आजकल जो विंटेज चल रही है ना टेबल जो जाली वाली होती है, पसंद तो करी थी मेरा सोफा है पहला आया, पहला हमने कहा भैया ये जो शो पीस वाला ये हम नहीं लेंगे, दूसरा लाओ। फिर वेयर हाउस से आधे घंटे में गाड़ी आई, दूसरा आया उसमें क्या हो गया था, उसमें कुछ डिजाइन दो थे, एक अलग था और एक में थोड़ा माइनर सा ऊपर नीचे था। तीसरी बार दोबारा गया टेम्पो लेने के लिए, फिर एक डेढ़ घंटे में आया, फिर उसमें क्या हुआ उसमें जो डिजाइन वगैरह उससे फिर गड़बड़ आ गई। ये करते करते रात के 10 बज गए और लास्ट में हम इतना थक गए कि वहां पर जो पढ़ा हुआ था पीस हेमंत ने कहा देख मानसी वो जो तो देख लो ना जाली वाला से मेरा सोफा है, कह रहा अच्छा तो है बट ड्यूरेबल ये वाला है। पहले मैंने ना इसके साथ के लिए इसका सेम मैचिंग पसंद किया था बट वो शोरूम में एक ही था, तो फिर मैंने बाद में ये वाला पसंद कर लिया। तो ये भी बेचारा घूमते फिरते 4-5 घंटे में कुछ से कुछ डिसाइड होते होते कुछ से कुछ आ गया। तो ये सारा फर्नीचर हमने लिया हुआ है, अभी ऑर्डर दिया हुआ है सोफा का बेड का जो कि आ जाएगा कल को, और साथ में जो बाकी का सामान है वो हम ऑफलाइन खुद से लेने के लिए आएंगे। हेमंत कह रहा था कि वो दुकानदार को ही बोल दो भेज देगा, पर मैंने कहा नहीं मैं खुद से देख के फैब्रिक वगैरह पसंद करके आगे का सामान लेकर आऊंगी। उस दिन में हम पूरी रात वहां पे बैठ के मतलब 10 बज गए थे, हमें सब प्रॉपर सामने हमने चेक करवा के एक एक चीज, फिर हमने टेम्पो में लोड करवाया था सामान, बहुत हालत खराब हुई थी, थक गए थे। मैं खुश हूँ जो भी मैंने लिया है, मैंने फैंसी चीजें ना लेकर मैं चाहती तो मैं ले सकती थी क्योंकि मेरे को पूरा घर बीच व्हाइट या व्हाइट और क्रीम चाहिए था, बट जब मैंने मार्केट में सामान देखा और क्वालिटी देखा तो जब भी आसमान का फर्क था, तो मैंने सीधे से चीजें कट करके सोचा कि जब पैसा इतना लगाना ही है तो थोड़ा पैसा ज्यादा देकर अच्छी चीज ले लेते हैं, तो फिर ये सब ले लिया है। शॉपिंग हम दोनों ने अकेले नहीं करी थी, वो पूरा दिन हमारे साथ परेशान था, वो अभी भी देखो है ना हमारा रेंगो हमारे साथ था दिन भर। ये है कि मुझे खिलाओ खिलाओ, अभी हमारे सोफे के कवर आए हुए है ना, सोफे के कवर पूरे रेंगो के डर के बारे में सबसे पहले सोफे के कवर मंगाए हम, अभी वही लगाए थे अभी हम वही लगाए थे। तो मैंने हेमंत से ये कहा, मैंने कहा पहले हेमंत एक काम करते हैं पहले वीडियो बना देती हूँ, सोफे के कवर अगर दब जाएंगे ना फिर वीडियो नहीं बनती है। जो सोफा का बेड है जब कल को आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, हो पूरी भेज दे बोला तो यही कल को भेजूंगा। तो मैंने देखो हमारा सामान दिखाया हमने सब लोग को, और मैं सोच रही हूँ जो शू रैक है वो भी तभी बाहर लगाऊंगी जो हमारा सोफा कम बेड आया, क्योंकि वो रास्ता ना घेरेगा तो अंदर बाहर कौन करते रहेगा ये सब। फिलहाल हम लगाने जाएंगे अपने सोफे के कवर, लगा ले लगाते आ जाओ।
मैंने बस एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक मैंने कवर मंगाए थे इसको आए थे अच्छे वाले, मतलब जो बहुत महंगे वाले थे। मैंने ऐसे 1200 में, मैंने कहा चलो देख लेती हूँ कैसा है वरना वापस कर दूंगी। रैम को बैठा था, बहुत दिक्कत हो रही थी और टच वुड पूरा जुगाड़ वाला काम कर रहा है बट वो जुगाड़ एकदम परफेक्ट बैठा है। वो इतने अच्छे बैठ गए हैं, देखियो जरा आप लोग, थोड़ा सा बस किनारे से ऐसे आपको दिख रहा है कि हाँ ये कवर बिछाया हुआ है, बट वैसे बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना? सही लग रहा है ना? जरूरी है यार, रेंगो ने तो वरना वो फाड़ के अलग कर देना है। रेंगो तो ऐसे भी चलेगा, बस सिर्फ रेंगो की नहीं है, कुछ गिर जाता है कुछ बात है, कवर हमेशा होने चाहिए। परसों बिना कवर के छाना था क्योंकि बीच में गड्ढा खोद रहा था। हाँ मैंने देख लिया, फिर डांटा। खैर तो ये तो मैं, खैर कोई मेहमान आएगा तो भी लगाए रखूंगी, ऐसा नहीं है। सही लग रहे, इतने बुरे नहीं लग रहे। सही लग रहा तुमको? पहले ये कह रहा था देख ले करके, रैंगो चढ़ने की तैयारी करते। हेमंत ने डांट रखा था, नाराज हो रखा क्योंकि ये बिछाए नहीं और चढ़ने लग गया था। फिर हेमंत ने गुस्सा किया तो जाकर नीचे बैठा हुआ है। नाराज भी तो पहले हो जाता है। अरे मेरे बच्चे, हां मेरा बाबू, मैंने अपने बच्चों को डांटा है, वो तेरा ही है, वो सो जा। ये देखो गाइस, हमारी तैयारी हो चुकी है शुरू। और ये खाना खाने के लिए लिया था इसने, ये देखो इसने पूरा क्या बना के रख दिया इस डाइनिंग टेबल का। मेरी पैकिंग चल रही है हमारी, नहीं ये तो रात को करवा करके बैठ गया। ठीक है, मेरे चार जोड़ी कपड़े, हां चार जोड़ी, मैं दिखाऊंगा ना कितने जोड़ी मेरे से ज्यादा ले आ रहा है। मेरे चार जोड़ी कुल गिन के। अच्छा ये दिख रहे हैं चार जोड़ी, कितने चार जोड़ी है? हाँ भी है और उधर भी है। वो देखो वहाँ मैं हाल दिखाता हूँ ना, ये देखो इतने थैले खोल के, अलमारी खोल के, ठीक है, और ये पूरा बेड बेड खोल के रख रखा है। आधी वो मेरी कंप्यूटर टेबल भर रखी है कपड़ों से। तो सोचना पड़ता है ना, तुम्हारा क्या कुर्ता पे मेरे कुर्ते के साथ चप्पल भी होगी, हाथ की भी होगी, कान के भी होगी। चप्पल से याद है मेरे को, अपने चप्पल रखना है कुर्ते में। अरे तो ठंडी के दिन हो गए ना, ठंडी के दिन तो काम कम होता है, ठंडी के दिन हो गए स्वेटर स्टॉल स्टॉल बहुत हो गए इस चक्कर में। गर्मियों में ये रहता है कि फटाफट पतले पतले कपड़े होते हैं, एक उसमें आ जाते हैं अटेजी में। यही सोच के थोड़ा मैं भी कंफ्यूज था कि जैकेट ले जाओ ना ले जाओ, तो मतलब मेरी अटीची थोड़ी छोटी, तो ठंडा हुआ। हम तो दिन में मस्त घूम कर आए थे, दिन में तो बढ़िया धूप हो गई वहाँ पे। हमने नैनीताल में लास्ट ईयर इतने बढ़िया, वही तो। और यहाँ पर रेंगो किधर गया? वो फिर कहाँ जा रहे हो? क्या है? कुछ नहीं, ये देखो तैयारी हो रही है, ये हो रही है, वो। और कहाँ जा रहे हैं वो तो तू बताएगी ना, तुम बताओ, ब्लॉगर तुम बने हो। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं ममता के देवर की शादी में चंपावत। मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगा उस साइड। मानसी एक बार होकर आ चुकी है तुषार के साथ, चंपावत से आगे, हाँ मतलब ज्यादा दूर नहीं है ना, तो मैं उस साइड फर्स्ट टाइम जाऊंगा, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमेशा अपना गांव देखा और उसके आसपास की चीजें देखी, तो वो थोड़ा नई जगह होगी मेरे लिए। तो देखते हैं कैसा होगा। मैंने सुना कि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है और वहाँ बर्फ भी बहुत गिरती है। बर्फ तो गिरती है, अरे हम पहाड़ी है, मतलब मेरे को नहीं लगता तुम्हारा पता है। बर्फ तो अच्छी खासी गिरती है वहाँ पे, हमारे वहाँ तो कुछ भी नहीं होती। नहीं यार, हमारे वहाँ तो थोड़ा हर सकते कैसे बर्फ गिरती। चलो मैं कर लूँ फिर। बट रैंगो किधर है? पहले रैंगो को भी दिखाना पड़ेगा। रैंगो इसने पता नहीं क्या खिला दिया आज सुबह, उसको वॉमिट हो रहा है। क्या हो गया बाबू? बच्चे की तबीयत खराब हो गई, वो टेंशन में आ जाता है। हमें ऐसे कपड़े उपड़े चले आएंगे, मम्मा पापा कहाँ जाएंगे बिट्टू? तू भी सांझ जाएगा रंगो। बस शुरू। यहाँ मेरी पैकिंग खत्म नहीं हो रही, तो मैंने कहा सर जी आज आप मेरे लिए खाना बना दो। तो क्या बनाया है सर जी ने? कड़ी। कौन सी कड़ी है ये? राजस्थानी कड़ी बनाना सिखा रहा है। दोस्त लेकर आया था एक बार, मेरे को पूरी सही लगी थी, फिर मैंने उससे पूछा भाई रेसिपी बताया तो मेरे को। तो देखना जरा, इसमें प्याज है, टमाटर है, लहसुन है और क्या है, जीरा और ये छोटे-छोटे राई। राई तो ये सीखा हुआ है इसने, मतलब YouTube में देख देख के बनाता है। तो आज मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है आज बिल्कुल भी, तो तुम बना दो खाना क्योंकि मेरी पैकिंग ही खत्म नहीं हो रही। पैकिंग होती रही है, हो गया बस पैक हो गया। एक बैग मेरा ये है, इसमें चप्पल वगैरह हेमंत के और मेरे, वो मेरे घर में पहनने कपड़े, बस सामान वामान पैक। हम जा रहे हैं अभी दिल्ली को, रात के 10:30-11 ऐसे कुछ बज रहे होंगे, पता नहीं 10:30 ही हो रहे हैं क्या? अच्छा सामने दिख रहा है। और अभी हम जस्ट अभी नोएडा क्रॉस करके एंट्री कर रहे हैं दिल्ली में। एक्चुअली हमें पहले दिल्ली आना है, वहाँ से मम्मी पापा को पिक करना है, कल को हम लोग निकलेंगे, तो आज रात को वहाँ सो जाएंगे, कल को कोई फंक्शन वगैरह भी अगल बगल में वो मम्मी को अटेंड करना है, तो उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे वहाँ से उत्तराखंड के लिए। और ये रहे हमारे, अरे कहाँ गया वो? बैठा होता लाइट खोल देना उसकी, नींद खराब हो गई। बढ़िया है, देख।
मिलिए आपसे। नमस्कार मम्मी। वो देखो निकल रहा अंदर को प्यार। तेरे से मिला, तेरे से मिला। अच्छा रात के बज रहे हैं 12:30 और रंगो मानसी दोनों गए हैं सो। इसको देखो जरा, मेरी वजह से मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ तो लाइट ऑन कर रखी है और ये मुंह अपना ऐसे छुपा के सो रखा ताकि रोशनी से इसको परेशानी ना हो। इसके ड्रामे। कुछ बोलना नहीं है तुझे आज? गुड नाइट कर दो। तू ही कर, तेरा चैनल है। गुड नाइट गाइस, सो जाओ आप लोग, हम भी सो रहे हैं। रेंगो भी सो रहा है। ये सोने नहीं देता यार कभी बाहर का भी। अंदर दुगे के सोल्टा होके सो रखा है ऐसे सोता है बीच में पूरा दांत। चलो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।